नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव रस्तोगी और आप लोग देख रहे हैं द लीटर हिंदी का बरेली बुलेटिन। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। भारतीय न्याय संहिता के तहत बारादरी में दर्ज हुआ पहला केस। आज से तीन नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए। यूपी का दूसरा और बरेली का पहला मुकदमा बारादरी थाने में दर्ज किया गया। पीलीभीत निवासी सुशील कुमार की ओर से यह मुकदमा डोरा रोड स्थित अपोलो अस्पताल से एक माह के बच्चे के गायब होने को लेकर दर्ज कराया गया। उधर सभी पुलिस थानों में नए कानून के स्वागत में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें इलाके के गणमान्य लोगों को नए कानूनों की जानकारी दी गई। कोतवाली में आयोजित कार्यक्रम में एडीजी बरेली जोन रमेश शर्मा भी शामिल हुए। इस दौरान एडीजी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि 150 साल पुराने कानून की जगह नए कानून ने ले ली है। अब लोगों को तय समय में न्याय मिलना आसान होगा। उधर एसएसपी अनुराग आर ने अचानक प्रेमनगर थाने पहुंचकर औचक निरीक्षण करा और थाने में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करी। बीजेपी ने भोरनलाल मौर्य को बनाया एमएलसी प्रत्याशी। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने यूपी में होने वाले आगामी विधान परिषद के उपचुनाव में भोरनलाल मौर्य को एमएलसी प्रत्याशी बनाया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। यूपी की जिस सीट पर विधानसभा परिषद का उपचुनाव होना है, वह सीट सपा से एमएलसी रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी। आपको बता दें कि भोरनलाल मौर्य भोजीपुरा सीट से विधायक रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव 2022 में उन्हें सपा प्रत्याशी सहजिल इस्लाम से हार का सामना करना पड़ा था। अब बीजेपी उन्हें एमएलसी बनाकर विधान परिषद में भेजने की तैयारी कर रही है। नाथ नगरी कॉरिडोर को मिलेगा भव्य रूप, 25 करोड़ रुपए जारी। नाथ नगरी कॉरिडोर को धरातल पर उतारने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शासन ने इसके लिए पहली किस्त के रूप में 25 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी है। हालांकि अभी निर्माण एजेंसी तय नहीं हुई है। आपको बता दें कि सातों नाथ मंदिरों को जोड़ते हुए इंद्रधनुषी नाथ नगरी कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा। इससे बरेली के पर्यटन को पंख लगेंगे। गोलीकांड के मुख्य आरोपी राजीव राणा पर और कसेगा शिकंजा। पीलीभीत बाईपास पर प्लाट पर कब्जे के लिए हुए गोलीकांड के मुख्य आरोपी राजीव राणा पर शिकंजा और भी कर सकता है। बीडीए उसके सिटी स्टार होटल और दो अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला सकता है। इससे पहले बीडीए राजीव राणा के एक होटल और घर पर बुलडोजर चला चुका है। वहीं उसके होटल सिटी स्टार को सील किया जा चुका है। अब सौफुटा रोड पर उसकी दो अवैध कॉलोनियां सामने आई हैं, जिन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। बीडीए की ओर से इन अवैध कॉलोनियों को कई बार नोटिस भेजा जा चुका है। पहले नए भवनों से टैक्स वसूलेगा नगर निगम। जीआईएस सर्वे के बाद नगर निगम की ओर से भेजे गए नए टैक्स बिलों पर हंगामा मचा तो नगर निगम प्रशासन बैकफुट पर आ गया। नगर आयुक्त ने मुख्य कर निर्धारण अधिकारी समेत पार्षदों संग हुई मीटिंग के बाद यह तय किया है कि पहले उन 80,000 नए भवनों से टैक्स वसूला जाएगा जो जीआईएस सर्वे के बाद बढ़े हैं। वहीं जो भवन पहले से कर देते हुए आए हैं, वो 31 अक्टूबर तक 100 कर निर्धारण पत्र जमा कर दें। तब तक उन पर सर्वे के अनुसार लगा नया टैक्स जमा करने का दबाव नहीं डाला जाएगा। दोस्तों के साथ नहर में नहाने गए युवक की डूबकर मौत। क्यूलड़िया में दोस्तों के साथ नहर में नहाने गए युवक अनुज मौर्य की गहरे पानी में डूबकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने मोटरबोट के जरिए कड़ी मशक्कत के बाद युवक का शव बरामद किया। कैंट विधायक ने किया संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ। कैंट विधायक संजीव अग्रवाल और डीएम रविंद्र कुमार ने सोमवार को जगतपुर स्वास्थ्य केंद्र पर विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान का फीता काटकर शुभारंभ किया और जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर गर्भवती और धात्री महिलाओं को पोषण किट भी वितरित की गई। एसएसपी ने प्रमोशन मिलने पर सीओ को लगा स्टार। एसपी सिटी गोपनीय कार्यालय में तैनात रमेश चंद्र राजपूत और एसपी साउथ कार्यालय में तैनात विजय कुमार का सीओ पद पर प्रमोशन हो गया है। एसएसपी अनुराग आर और एसपी सिटी राहुल भाटी ने उन्हें स्टार लगाकर बधाई दी। बिथरी विधायक ने वन महोत्सव सप्ताह का किया शुभारंभ। बिथरी चैनपुर विधायक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा ने सोमवार को बदायूं रोड पर पीपल का पौधा लगाकर वन महोत्सव सप्ताह का शुभारंभ किया। फिर जिले की विभिन्न रेंजों में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य वन संरक्षक विजय सिंह व प्रभागीय वनाधिकारी दीक्षा भंडारी ने भी पौधारोपण किया। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। अगर आप भी अपनी स्थानीय कोई समस्या हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो नीचे पट्टी पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।